अपनी माँ की गोद में बैठे इस मासूम बच्चे का नाम हूर है, जिसकी उम्र मात्र एक साल है। ये सऊदी अरब की रहने वाली है। हमारे भारत के डॉक्टर्स इस बच्चे के लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र की बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट किया और दुनिया का ये एकमात्र ऐसा सफल ऑपरेशन बन गया जिसमें लीवर तक खून पहुंचाने के लिए गाय की नसों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल सऊदी अरब की रहने वाली इस दंपत्ति की एक साल की बच्ची हूर को पित्त नलिकाओं के विकसित न होने की वजह से बच्चे के लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद सऊदी अरब के डॉक्टर्स ने बच्चे का इलाज भारत में कराने की सलाह दी, जिसके बाद इस बच्चे के माता पिता इसे गुरुग्राम के आर्टिमिस अस्पताल लेकर आए, जहां पर इस बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और बच्चे के नए लीवर तक खून का संचार करने के लिए गाय की नसों का इस्तेमाल किया गया। ये बच्ची जो हूर है ये एक साल की है इस समय, और जब ये हमारे पास में आई थी तो उस समय ये बहुत ही कमज़ोर थी लीवर प्रॉब्लम के कारण, और इनका वेट उसमें 5 किलो 200 ग्राम था, और इनको एक बीमारी थी जिसे कि बिलरी एट्रेजिया कहते हैं, जिससे कि बच्चे की जो पित्त की नली होती है वो डेवलप नहीं होती है। तो ये इनको बचपन से ये प्रॉब्लम थी, और इनका सऊदी अरेबिया में इसका बिलरी बाईपास का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और इवेंचुअली उनको यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए वहीं के लोकल डॉक्टर्स ने बताया। और लेकिन बच्चे का वज़न इतना कम था, और जो बच्चे छोटे होते हैं लेस देन 1 ईयर उनका ट्रांसप्लांट बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, तो ऑल दो सऊदी अरेबिया में ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन शायद उन्होंने डॉक्टर्स ने वहाँ पे ये रिकमेंड किया कि आपको एक हायर सेंटर में इंडिया में जाना चाहिए, जो कि एक बड़ा एक वेल रिकॉग्नाइज हब है लिवर ट्रांसप्लांट का पूरे जो एशियन और जो इस सब कॉन्टिनेंट में, काफ़ी इंडिया का लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में नाम है। एक होता है जब किसी डेड पर्सन से लिवर दिया जाता है, बट ज़्यादातर इंडिया में, एशिया में, चाइना में, जापान में, यहाँ पे लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें एक जिंदा पर्सन, एक रिश्तेदार से लिवर का एक हिस्सा दिया जाता है। तो जब एक एडल्ट पर्सन किसी एडल्ट पेशेंट को लिवर दे रहे हैं, उस समय हम लोग हिसाब करते हैं कि भाई जो आधा लिवर उसको दिया जाए क्या उसका साइज़ काफ़ी रहेगा मरीज़ के लिए। बट जब बच्चे को दिया जाता है, एक बड़े एक फादर से या मदर से जब बच्चे को लिवर दिया जा रहा है, तब हमें देखना है कि लिवर हमें बहुत छोटा टुकड़ा चाहिए, और इस समय तो ऑपरेशन जितना छोटा जगह में किया जाएगा, लिवर के जितने छोटे हिस्से में किया जाएगा, उतना ऑपरेशन में बारीकी, ऑपरेशन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है। हम लोग, हमें सब पता है कि एक लिवर होता है शरीर में, बट एक्चुअली एक लिवर के 8 हिस्से होते हैं, या एक लिवर को हम काट के अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग लिवर के 8 में से आधा, मतलब 4 हिस्से देते हैं मरीज को। जब छोटा बच्चा हो तब और भी छोटा हिस्सा दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड एक लिवर का मान लीजिए 3 जैसे 2 भाग है, 1 भाग, 1/3 लिवर का दिया जाता है। الطاقم الأطباء مشكورين الحمد لله، يعني نقول الحمد لله أول وآخر، شكرا جزيلا. ये बच्ची के फादर, ये बच्ची हूर के फादर हैं, ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल, स्पेशली डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ एंड इंडियन पीपल होम आई लव, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बोला सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सेज और सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो मैं डॉक्टर्स के काम से बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड हैं रिज़ल्ट से इन्होंने का। मैं कहा मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ कि इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों की माने तो दिल्ली NCR में ये पहला मामला लीवर ट्रांसप्लांट का है जो इतनी कम उम्र की बच्ची का किया गया है, जबकि विश्व का ऐसा पहला लीवर ट्रांसप्लांट है जिसमें नए लीवर तक खून का संचार करने के लिए गाय की नसों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि नसों को विदेश से मंगवाया गया है। न्यूज़ डेस्क।